मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम कारगिल म्यूज़ियम में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं अंदर म्यूज़ियम में, और अंदर आपको दिखाते हैं कि वॉर के टाइम क्या क्या हुआ था वहाँ, और अभी वहाँ क्या क्या है अंदर। जो विक्रम बत्रा जी थे वो उन्होंने ऊपर उस टाइम क्या क्या फेस किया था, हम तो सिर्फ इस चीज़ को देख सकते हैं। उन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब वहाँ पर युद्ध के टाइम देखा था, और अब हम देखेंगे जाके अंदर म्यूज़ियम में कि क्या कुछ हुआ था, तो आपको दिखाते हैं। तो रात आपको शायद साफ ना दिखाओ, तो अभी का व्यू हम दिखाते हैं सुबह का। यही वो वॉर की जगह थी जहाँ पे वॉर चली थी, और वो सामने आप देख रहे हैं जो इधर, ये वो टाइगर हिल था जिस पे विजय प्राप्त की थी। यहाँ के लोग बताते हैं कि जिस टाइम यहाँ पे वॉर चल रही थी उस टाइम हर टाइम यहाँ पे शेलिंग होती रहती थी। ये सामने के पहाड़ जहाँ पे शेलिंग होती रहती थी। तो अभी हम एंट्री करने के लिए चले हैं, एंट्री करते हैं इसमें। इधर से हम एंट्री करते हैं। इंडियन आर्मी जो है हमारे लिए क्या कुछ करती है, यहाँ पे सब कुछ चेकिंग्स होती हैं। तो हम एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पर सभी जो शहीद हुए थे उनके नेम, जैसे यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे बताया गया कि हम किसी से मिले थे, तो 1990 में यहाँ का कुछ टेम्परेचर इतना चला गया था कि -70 डिग्री, तो उस टाइम भी इंडियन आर्मी यहाँ होती थी। तो अभी भी जैसे 1999 की बात है, एक रूल था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से, जब भी बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, ठंड होगी, तो उस टाइम इंडियन आर्मी भी पीछे चली जाएगी और पाकिस्तान आर्मी भी पीछे चली जाएगी। तो उसके इंडियन आर्मी वापस आई, तो पाकिस्तान आर्मी ने थोड़ा आगे बढ़ के, वो वापस नहीं गई, तो उनके आगे आने पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया। तो कोई जैसे गांव का कोई बंदा गेहूँ वगैरह चराने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऊपर कुछ हलचल चल रही है। तो हमारी आर्मी यहाँ से गई, उन्होंने जगह को कैप्चर किया वहाँ पे, मतलब जगह संभाली और वॉर छिड़ी। उन्होंने यहाँ पे शेलिंग की, बहुत ज़्यादा शेलिंग की, डराने की कोशिश की, पर इंडियन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं थी, उन्होंने वीज़ा प्राप्त करके ही दम लिया। और आज इस बदौलत हम मतलब इतने आज़ाद घूम रहे हैं और यहाँ घूम रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों, हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर वीर जवानों की समाधियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले गांव वालों का भी पता लगा था कि युद्ध में शहीद हुए हैं, तो उनकी भी समाधियाँ यहाँ बनाई गई हैं। जैसे बाय नेम, एड्रेस, बटालियन नंबर, यहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम बाद पेंट्स वगैरह करते रहते हैं ताकि यादें मिटाई ना जा सकें। दोस्तों, ये वो वीर जो
नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर विजय प्राप्त की। तो गाइज अभी हम लोगों ने अंदर एक हिस्ट्री देखी है जो कारगिल लड़ाई के दौरान शहीद हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, और हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया गया। इसमें सब कुछ बताया गया मूवी में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और मूवी 10 मिनट की थी, 10 मिनट में ही आंखें नम थी। हमारे जवानों के लिए जितनी तारीफ हो उतनी कम है, और हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार कारगिल आओ, यहाँ की हिस्ट्री देखो, आपको तभी पता लगेगा कि हमारे लिए इंडियन आर्मी क्या करती है और क्या नहीं करती है। तो हमारे मतलब जब हमने मूवी देखी तो मूवी में हमें बताया गया जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने जिस टाइम यहाँ का हाल देखा कि कारगिल में पाकिस्तान आर्मी घुस चुकी है, कुछ नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उस टाइम प्रधानमंत्री ने ये आदेश दे दिए थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अब पीछे नहीं हटा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद इंडियन आर्मी के साथ बैठक होने के दौरान मतलब सारी आर्मी लगा दी गई थी, वायुसेना, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, और वायुसेना का था सफ़ेद सागर, और इंडियन नेवी का था ऑपरेशन तलवार। तो इन ऑपरेशनों को लेकर उस टाइम सभी के सभी एक्टिवेट थे और इन सभी का बहुत अच्छे से साथ रहा। मतलब कारगिल के युद्ध के टाइम जो यहाँ के गांव के लोग थे उनका भी बहुत साथ रहा है, यहाँ के लोगों की भी यहाँ पे शहीदों में नाम गिना जाता है। दो अभी थोड़े रिसेंटली ही पता लगा था उनका, तो उनकी भी समाधि यहाँ पर बना दी गई है। तो हमें अपनी इंडियन आर्मी पे हमें गर्व है, अपने देश पे हम बयान ही कर सकते कि हमारे लिए इंडियन आर्मी क्या कर रही है, हमारे लिए एयरफोर्स क्या कर रही है, हमारे लिए नेवी क्या कर रही है। तो अभी इस व्लॉग की हम एंडिंग यहीं पे करेंगे और नेक्स्ट व्लॉग ले के लिए रेडी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।